रोहतक लोकसभा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी बीजेपी के संकल्प पत्र को करारा हमला बोला है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की कॉपी पेस्ट इसको बताया है। दीपेंद्र बहादुरगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जून के पक्ष में वोट मांगने आए थे। यहां बीजेपी छोड़कर आए पहलवान हरीश, पंडित रमेश, सुलेखा दयाल को सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल उन्होंने कराया। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को 2000 रुपये देने की घोषणा की तो बीजेपी ने 2100 कर दी। कांग्रेस ने गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की गारंटी दी तो बीजेपी ने भी उसे कॉपी कर लिया। बीजेपी के 2014 के वादे भी अभी तक पूरे नहीं हुए। बीजेपी का हर संकल्प महज जुमला ही निकलता है। पूरे हरियाणा प्रदेश में आज लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। भाजपा की 10 साल की एक सरकार, कुशासन की सरकार, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा नशा, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर, क्राइम रेट आज हरियाणा प्रदेश में है। पिछले 10 साल में इस सरकार ने चरम पे भ्रष्टाचार, बीजेपी जेजेपी समझौते में लूट के खा गए सब कुछ, और हरियाणा को विकास की पट्टी से उतारने का काम इस सरकार ने किया। तो लोगों ने मन बनाया है कि इस कुशासन का अंत हो, हरियाणा दोबारा से विकास और खुशहाली की तरफ जाए।